आज का हमारा लेक्चर है क्रिटिकल फिनोमेना या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कि गैसेस कैसे या किस तरह से लिक्विफाइड होती है। तो द गैस कैन बी लिक्विफाइड एट सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन प्रेशर, कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर गैस लिक्विफाइड या गैस लिक्विड की तरह से बिहेव करती है, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर बिलो विच गैस इज लिक्विफाइड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी सी। सो देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर दैट इज एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस इज लिक्विफाइड या बिहेव्स लाइक अ लिक्विड, इज दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस वक्त जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है, ठीक है। And the volume of the gas at critical temperature and critical pressure is called critical volume. So, PC is the critical pressure and VC is the critical volume. The volume of the gas at critical temperature and critical pressure is called critical volume. Or state of the gas at PC, TC and VC. State of the gas at critical temperature, critical pressure and critical volume, having critical volume is called critical point. ठीक है, कि वो point जिस पर गैस का temperature या वो state जिसमें गैस अपने critical temperature पर है, उसका pressure भी critical है और उसका जो volume है वो भी critical है, तो इसको critical point कहते हैं गैस का। ठीक, हर जितनी भी लेयर गैसेस हैं have some क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, करैक्टरिस्टिक्स क्रिटिकल कॉन्स्टेंट, ये क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स है ना, कि हर गैस के लिए स्पेसिफिक होते हैं कि इस टेम्परेचर पर द टेम्परेचर एट बिलो विच, कि इस टेम्परेचर से नीचे गैस लिक्विफाई करेगी, बट अबव दिस टेम्परेचर हम जितना भी प्रेशर हाई करते चले जाएंगे गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी अंटिल एंड अनलेस क्रिटिकल टेम्परेचर ना आए। जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव नहीं होता गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। अब ये होता कैसे है, हमने कहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर लो टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर हाई प्रेशर, तो होगा क्या एक्चुअली कि जब टेम्परेचर लो करते जाएंगे और प्रेशर हाई करते जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर लो करने से गैस की करैक्टरिस्टिक्स है कि उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर लो करते जाएंगे तो क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। उधर से प्रेशर हाई हो रहा है तो क्या होगा कि कंप्रेस हो रही है गैस, डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम होता जाएगा। और लिक्विड की यही करैक्टरिस्टिक है कि एज कम्पेयर टू द गैस उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, एज कम्पेयर टू द गैस द लिक्विड हैव लेस काइनेटिक, लिक्विड मॉलिक्यूल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल इज लेस एज कम्पेयर टू द गैस मॉलिक्यूल। सो गैस भी नहीं लाएगा लिक्विड एंड टेम्परेचर एट विच सॉरी अबव द या एट क्रिटिकल टेम्परेचर, कि वो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर से वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड की तरह से ही बिहेव करने लग जाएगी। बट एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या होगा, गैस डिफाइंस एज लिक्विड, कि वो लिक्विड की तरह से बिहेव करना स्टार्ट होगी, ठीक है, कि उसकी स्टार्ट होगा क्रिटिकल टेम्परेचर पर। अभी वो पूरा का पूरा गैस उसका बिहेवियर लिक्विड जैसा नहीं होगा, बट जैसे टेम्परेचर बिलो करेंगे तो तब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था, इसको कहते हैं सारा क्रिटिकल फिनोमेना। मेजरमेंट ऑफ क्रिटिकल फिनोमेना कैसे होगा, मेजरमेंट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम या क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, इनको मेजर कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एक ऑपरेटर्स होता है, उस ऑपरेटर्स को कहा जाता है गैल्वियर डी लॉट लॉस ऑपरेटर्स, गैल्वियर डी लॉट लॉस ऑपरेटर्स। और ये यू शेप ट्यूब होती है, एक्चुअली मोनोमीटर ही होता है ये, कि एक बल्ब होता है, ठीक है, और वो यू शेप ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है। और इस ट्यूब में सारी मर्करी से ये फिल होता है, ठीक है, यहां इसमें लिक्विड होता है, ठीक, और ये होते हैं वेपर्स
और आउटर एक जैकेट होती है जो हीटिंग जैकेट कहलाती है। ये है हीटिंग जैकेट, ये सारा मर्करी है HG, ये है लिक्विड और ये है वेपर्स, ये एयर। ठीक है, ये एक्चुअली मोनोमीटर ट्यूब है, यू शेप मोनोमीटर ट्यूब है। अब क्या क्या जाता है कि इस ऑपरेटर्स में जिस लिक्विड का हमें या जिस गैस का हमें क्रिटिकल टेम्परेचर मेजर करना होता है उसके वेपर्स से फिल कर दिया जाता है। ठीक है, वेपर से फिल करने के बाद हीटिंग जैकेट का टेम्परेचर लो करना है, लो होना शुरू हो जाता है और लिक्विड भी हमें पता होता है कि ये गैस इस लिक्विड की तरह से बिहेव करेगी कि वो गैस जो है उसका लिक्विड की अभी फिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैकेट का हीटिंग इसकी टेम्परेचर लो कर दिया जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो मेनिस्कस है जो लिक्विड और वेपर्स को सेपरेट कर रही है, जो क्लियर नजर आती है वो डिसअपीयर हो जाती है, ये सारे के सारे वेपर्स जो है, ये ऑलमोस्ट वेपर्स जो है वो एक मेनिस्कस जो डिस्टिंग्विश सरफेस बिटवीन द वेपर्स एंड द लिक्विड वो डिसअपीयर हो जाती है उस टेम्परेचर पर। जैसे जैसे हम हीटिंग जैकेट का टेम्परेचर लो करते हैं तो ये वेपर और लिक्विड के दरमियान ये जो मेनिस्कस है वो डिसअपीयर हो जाती है, वो टेम्परेचर नोट कर दिया जाता है। उसके बाद अगेन टेम्परेचर हाई किया जाता है, ठीक है, उसको हीट किया जाता है। ठीक, हीट करते हुए क्या होगा कि अगेन मेनिस्कस अपीयर होना शुरू हो जाए, जिस टेम्परेचर पर ये मेनिस्कस अपीयर होती है वो टेम्परेचर नोट कर दिया जाता है। उन दोनों टेम्परेचर्स का मीन जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर मेजर किया जाता है और क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसी तरह मेनिस्कस के अपीयर और डिसअपीयर होने के लिहाज से फिर प्रेशर का इफेक्ट डाला जाता है कि जैकेट को उसी टेम्परेचर पर फिक्स कर दिया जाता है और यहाँ से मोनोमीटर एयर के थ्रू मर्करी पर प्रेशर डाला जाता है। तो वो उस प्रेशर से जिस प्रेशर पर मेनिस्कस अपीयर होती है और फिर अगेन डिसअपीयर होती है तो वो प्रेशर नोट कर लिया जाता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, इस तरह से क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इस ऑपरेटर के थ्रू मेजर किया जाता है। अब क्रिटिकल वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाएगा, तो क्रिटिकल वॉल्यूम जो है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कि वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस इस चीज को हम डेंसिटीज के उसमें लेते हैं कि डेंसिटीज आर लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि मीन डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वेपर का मीन जो है दैट इज द लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो एक ग्राफ बनाया जाता है टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी। ठीक है, अब टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी, तो डेंसिटी कैलकुलेट कौन सी, डेंसिटी चेंज की जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, चाहे लिक्विड हो या वेपर्स हो, दोनों की डेंसिटी चेंज होगी और दोनों को ही हम प्लॉट करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लॉट करते करते ऐसे इंक्रीज होगी और डेंसिटी ऑफ वेपर टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज। ठीक है, कि इस तरह से ये कर्व सा बन जाए, वो पॉइंट जहां पर ये कर्व कंबाइन हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वेपर, ये है डी वी और ये है डी एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये है डेंसिटी ऑफ वेपर। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वेपर कंबाइन हो जाए, तो वहां से जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है ये डी बी प्लस डी एल ओवर टू, ये मीन डेंसिटी। मीन डेंसिटी हर टेम्परेचर पर आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंट, हर टेम्परेचर पर कॉन्स्टेंट आ रही है, तो वो टेम्परेचर जहां पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वेपर कंबाइन हो, कोएग्जिस्ट करे, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और इस टेम्परेचर पर डेंसिटी को यूज करते हुए वॉल्यूम मेजर किया जाता है और उस वॉल्यूम को कहते हैं क्रिटिकल मास ओवर डेंसिटी, वॉल्यूम ही होता है। ठीक है, तो इसको मेजर करते हुए इस तरह
वहां से वॉल्यूम बाहर किया जाता है, इसको कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक हो गया कि क्रिटिकल वॉल्यूम इस तरह से बाहर किया जाता है। नेक्स्ट, ये तो था क्रिटिकल फिनोमेना। अच्छा, इसमें आपने आइसोथर्म, आपके बुक में जो दिया गया है, जो लिटरेचर है, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोथर्म भी दिया होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी होगी। एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल कॉन्स्टेंट इन वाटर फॉल इक्वेशन, ये भी दी होगी। ये दोनों आपने नहीं करना, ठीक है। आपने करना क्या है, जस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम होता क्या है, इनको मेजरमेंट कैसे, ये दो टॉपिक्स आपने करने हैं। बीच में से वो दो टॉपिक्स नहीं करें, ठीक है, कि उनकी कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोथर्म और एप्लीकेशन इन वाटर फॉल इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक नहीं करना है। जस्ट इसकी मेजरमेंट करनी है और क्रिटिकल फिनोमेना होता क्या है।